अध्यक्ष जी, यो तो मुझे कई माननीय अध्यक्षों के आप 1975 दर्शन में 77 से काम करने का मौका मिला, लेकिन हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली पाते हैं कि आपने केवल शेयर की शोभा नहीं बढ़ाया है, बल्कि सारी विधानसभा के जितने हम जैसे सदस्य हैं उनको सम्मान देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा। ये बड़ा प्रदेश है जिसने देश को आधे दर्जन से प्रधानमंत्री दिया है। ये प्रदेश वो प्रदेश है मानवर जो राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आपके द्वारा जो ऐतिहासिक कदम और काम किया गया है, ये पूरे देश के जितने राज्य हैं वहाँ की विधानसभाओं के लिए एक आपने प्रेरणा और उनको इस बात का सिख दिया है कि इसी तरह का आचरण करें और इसी तरह से माननीय विधायकों का सम्मान दें। ज़्यादा न कहकर के हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ये बात इतिहासकार लिखेगा कि एक इतिहास पुरुष के रूप में आपने बड़ा काम किया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए सम्मान करता हूँ। आपने बोलने का मौका दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय माननीय अध्यक्ष जी, पांच दिन पहले ये सदन आहूत हुआ था मान्यवर। अब पांच दिन के अपने सभी बिजनेस को पूरा करने के बाद आज हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, अभी जो माननीय नेता समाजवादी पार्टी के तीन लोग बोले हैं, तीनों नेतागण हमारे बहुजन समाज पार्टी नेतागण, लोक दल के और सभी माननीय नेतागण ने जो भावना व्यक्त की है मान्यवर आपके प्रति, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं और निश्चित रूप से कहा तो यही जाता है कि याद वही लोग किए जाते हैं जो कुछ न कुछ दे के जाते हैं। आपने बहुत प्लीज नए इनोवेशंस के साथ विधानसभा में कई चीजें जोड़ी हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सदन की चर्चा बार बार आती है कि सदन ज़्यादा चले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विषय दिया, बाढ़ और सूखा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोक क्षेत्रों की आवश्यकता है और बहुत से क्षेत्रों की मजबूरी भी है कि उस विषय के ऊपर चर्चा करें और लोगों ने बड़े स्वेच्छा से उसके ऊपर अपने क्षेत्र की परेशानी भी बताई, आवश्यकता के ऊपर भी बल दिया और सत्ता पक्ष की ओर से उसका समाधान करने के लिए भरपूर आश्वासन भी दिया गया और आगे उसके लिए करेंगे भी। ये बात मैंने इसलिए कोट की कि अगर रुचि का विषय हो, समय समय के ऊपर जब दलीय नेताओं के साथ बैठते हैं और अगर रुचि का विषय हो तो निश्चित रूप से उसके ऊपर चर्चा में भी लोग रुचि लेते हैं और उसका समाधान भी हो सकता है। तो मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि दलीय नेताओं के साथ जब बैठक हो तो उसमें यह विषय ज़रूर हो कि नए विषय के ऊपर हम किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, ताकि दलीय नेताओं की मीटिंग में ये बात अगर निकल के आएगी तो सारे लोग उसमें रुचि लेंगे और सदन को ज़्यादा चलाने में भी उसमें रुचि रहेगी उसमें। और मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश एक सर्वोत्तम प्रदेश बने। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जब दूसरे प्रदेशों से हमारी
मुकाबला होता है, ये कंपटीशन होता है, ये किसी न किसी रूप में हमारी एक प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारा प्रदेश सबसे आगे रहे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार के ऊपर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार के ऊपर हो, या डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हो, सभी लोग ये चाहते हैं। लेकिन उसके चाहने के ऊपर हमें उसी के अनुरूप अपना कार्य व्यवहार भी करना चाहिए। हमें सदन में केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं आते, हम आते हैं इसलिए कि हम उत्तर प्रदेश को और आगे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। हम लोग पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, और मैं समझता हूं कि जिस परंपरा से हम लोग आए हैं, जिस परंपरा में हम पले बढ़े हैं, यहाँ पर हम हाउस में तो अपने अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसके अनुसार उसकी नीतियों के अनुसार अपना कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन बाहर तो हम एक आदमी हैं, एक मानव हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग जो किस प्रकार से हमारी शनै शनै हमारी परंपराओं में किस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है कि एक बस्ती में एक गांव में जब कोई एक व्यक्ति दूल्हा बनता था तो वो सारे लोगों से आशीर्वाद लेता था, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो सबसे आशीर्वाद लेता। एक घर में किसी एक व्यक्ति की अगर अर्थी उठती थी तो तब पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था, पूरे गांव में ये ऐसी स्थिति होती थी कि हम चूल्हा तब जलेगा जब उसकी अर्थी उठ जाएगी, यानी अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिमेशन हो जाए। किसी एक कन्या का विवाह होता था तो पूरे गांव का पूरे क्षेत्र का आंखें नम होती थी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है, और अब हम इसको छोड़कर कहाँ पहुँचे, किस स्थिति में जा रहे हैं। हर तरफ यानी राजनीति में पहले हर तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, हम हर तरह का उस प्रकार का व्यवहार करते थे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में हम पहुंच रहे हैं वो अपने आप में बहुत तकलीफ दे, बहुत ही तकलीफ दे। हम कोई विधानसभा में इतिहास बनाने नहीं आए, हम सोचते थे जब मैं पहली बार आया, ये नहीं छोड़ दो, इट इज ए इमोशनल वीकनेस। एनीवे मैं जब मैं पहली बार आया था तो मैं सोचता था कि 2-4% क्षेत्र के लोगों का भला करें, और क्षेत्र वालों ने काफी साथ दिया, लगातार लोग एक बार दो बार तीन बार दूसरी बार आने के लिए लोगों का परेशानी होती है, लेकिन हम 80 के दशक से यहाँ पर हैं, कितना बदलाव आया। और ये बदलाव मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अपनी बात है, अपने संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्धता एक बात है, लेकिन जो मानवीय गुणों का लगातार ह्रास हो रहा, राजनीति में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव इतना बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। और ये सभी लोग अगर ये मंच नहीं सोचेगा तो फिर कौन सा मंच सोचेगा। ये अपने आप में मैं कहने को तो काफ़ी दिनों से था ये बात, लेकिन जब देखते हैं तो हर चीज़ को इतने दिनों से उत्तर प्रदेश जब से बना तब से आज तक हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ बेहतर किया है, कुछ न कुछ बेहतर किया, लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी हम कोई निर्णय लेते हैं अच्छी नीयत से लेते हैं लेकिन उसका परिणाम बहुत ज़्यादा उल्टा निकलता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं निकल पाता, लेकिन उसके पीछे मंशा तो ज़रूरी नहीं है कि मंशा वैसी हो। और हम समझते हैं कि हम लोग सभी लोग एक राय होकर इस बात के लिए ज़रूर सोचें कि हम अपने प्रदेश को कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे पहुँचा सकते। विधानसभा की जो चर्चा है वो भी अपने आप में बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे होगी।
तकलीफ दे इसलिए कि कल मैं 3 बिल पेश किया कल मैंने, और बिलों के ऊपर लोगों की रुचि नहीं है। बिल के ऊपर रुचि न होना, जिस बिल के लिए हम यहां पर बैठे हैं, खास तौर से कानून बनाने के लिए यहां पर बैठे, लेकिन उसमें लोगों की रुचि नहीं, तो आखिरकार किस स्तर से। मैंने देखा था जब मैं आया था, तिवारी जी थे उस समय माननीय तिवारी जी, और एक कुबड़े तिवारी जी थे यहां बैठ इधर बैठते थे, रविंदर तिवारी। एक हमारे उस वक्त स्वतंत्र भारत ने एक स्कूप भी निकाला था तिवारी बनाम तिवारी, एक्सटेम्पोर न वो तैयार थे विषय पर न वो तैयार थे, लेकिन जिस प्रकार की डिबेट होती थी तो ऐसा लगता था कि हम अभी इनसे बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ सीखने को। आज जब हम विधानसभा में सुनते हैं तो कोई अगर कोई इस तरह की बात कहे तो बहुत अच्छा लगता है, और ये मंच हमारी सारी कार्रवाई अब आजकल तो टेलीविजन पे भी आती है, ये हर कार्रवाई नोट होती है। तो आखिरकार जब हम रोल मॉडल बनने के लिए यहाँ पर आए हैं तो वो कौन सा दिन होगा जब उस तरीके की चर्चा यहाँ सदन में सुनाई पड़ेगी। लेकिन एक भी दिन इस प्रकार की स्थिति नहीं आती। हम अपने क्षेत्र की समस्याएं तो रखेंगे, क्षेत्र की आवश्यकता है, लेकिन बात अगर इस तरह की और तरीके से हो तो मैं समझता हूँ कि पूरा सदन पक्ष विपक्ष के लोग सब अप्रिशिएट करते। कल मैं सुन रहा था श्री सचिन यादव को, आज मैंने उनसे कहा भी हमारे पक्ष के लोग भी, हमारे कई लोग बहुत अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बोलते भी हैं और अपनी बात को, आपकी बात का जवाब भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सरकार में कोई टालने वाला मंत्री नहीं है कि टाल दिया, कोशिश ये तो सही है कि जो सरकार जवाब, ये वास्तव में वास्तविकता यही है कि सरकारी जवाब आता है, अधिकारी लोग जवाब भेजते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यही परंपरा चली आ रही है बरसों से, यही परंपरा बरसों से चली आ रही है, आज की एक नई परंपरा नहीं है। लेकिन सबकी मंशा यही है कि हम टू दी पॉइंट, क्योंकि ऊपर से भी यही निर्देश, मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है और हम भी ये सोचते हैं कि जितना तो हम कंट्रीब्यूट कर सकें उसको करें, लेकिन इस तरह की बात हो, टू दी पॉइंट बात हो, और हर तरह से वो अपने आप में एक ऐसी चीज बने कि जो एक रोल मॉडल के रूप में हम यहाँ पर बैठे हैं तो वास्तव में रोल मॉडल का एक मैसेज भी दिया जाए इस विधानसभा से। और अभी कोई भी इस पर नहीं, कभी 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 नियमों के खिलाफ जब बात करते हैं तो आप सोचिए नियमों से थोड़ा हटके, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सारी कुछ एक ही चीज हम ही जानते हो, यह भी जरूरी नहीं कि जो विचार हमारा है वो पूरी तरीके से सही हो। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट ऐसे आए, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, एक में 6:5, 6 जजेस का एक विचार था, 5 का दूसरा था, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करता है। इसी तरीके से केशवानंद भारती का जजमेंट, आज तक जो केशवानंद भारती के जजमेंट है 7:6, मतलब यानी कि उसमें 13 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया, 7 का कुछ फैसला था, 6 का कुछ था, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा सोचने का एंगल ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी मंशा वैसी हो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोकतल में होना, लोकतंत्र में होना एक स्वाभाविक है, लेकिन इस इतनी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो कि वो किसी भी तरीके से किसी का पर्पज ही डिफीट कर दे, उसको ठीक उल्टा इंटरप्रेट करे। मिसाल के तौर पर जैसे 300 की बहस है अगर, तो 300 में अगर औचित्य का प्रश्न है तो उसका थोड़ा बहुत हटके तो बात हो सकती है, लेकिन जिसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई विषय नहीं हो, उसका भी 300 में। तो इसलिए कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको क्या देखेगी, क्या क्या कह रहे थे, कौन सा विषय उठ रहा, और इसको उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आप ओपिनियन हो सकता है, आप कहोगे आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन अगर उसके आसपास भी कहीं हो तो सुन लिया जाए, लेकिन कहीं दूर तक उसका संबंध ना हो। यह बात मैंने उस किसी के ऊपर कोट करके, क्षमा करिएगा, किसी के ऊपर कोट करके नहीं कही, क्योंकि अभी विषय आ रहा था इसलिए कह दिया। हर तरह से हर सदस्य को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि हमारा हर एक्शन बाहर देखा, तौला और नापा जाता है। हमारी हंसी, हमारा तौर तरीका, हमारा मिलने का तरीका, हमारा दुआ सलाम का तरीका, जो भी कुछ हम करते हैं, हमारा हर आचरण जनता न भूलती है और न माफ करती है। हर चीज बहुत बारीकी से जनता मायने, बहुत बारीकी, और उसी के ऊपर मूल्यांकन होता है,
सारा कुछ मूल्यांकन उसी के ऊपर होता है। जरूरी नहीं कि बहुत सी चीजें जो समाज में हैं उसको हम पूरी तरीके से यहां पर आत्मसात करें, लेकिन जो कुछ भी हम जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से, जिस उससे आए हैं कि अपने क्षेत्र के विकास की ज्यादा से ज्यादा बात करें, अगर सत्ता में है तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाकर, और विपक्ष में है तो अपनी आवाज बुलंद करके कम से कम ये कहें, ये तो है सही, लेकिन हर चीज इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए कि हम एक रोल मॉडल बन के उभरे। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से इस विधानसभा का सम्मान जरूर बढ़ेगा। आज हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, इसमें जो भी आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति की, लेकिन विधानसभा का स्तर तो तभी ऊपर होगा जब हमारे डिस्कशन का, हमारी बहस का, हमारी चर्चा का स्तर ऊपर हो, और वो तभी ऊपर होगा। लाइब्रेरी में कितने लोग बैठते हैं जाके, कभी कभी चार चार पांच पांच घंटे हम अकेले बैठते हैं तो हमें एक 80 के विधायक आते हैं जरूर, 80, 87, 81, 82 बनाए, वो तो हमें दिखाई पड़ते हैं, और बाकी तो यहाँ के लोग दिखाई भी नहीं पड़ते। पहले तो जब पहले दफे आए थे तो 40-40, 50-50 विधायक बैठते थे लाइब्रेरी, लेकिन अब बहुत बहुत ज्यादा इसको सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, और हर तरह से लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए, अपने क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो केवल अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ, और जो कुछ महसूस करता हूँ वो ही कह रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं है और कोई जरा सी भी बिल्कुल वो नहीं है, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वही हम आपसे कह रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री भी मंशा और नियत देखिए, सुबह 4 बजे से उठकर रात को 11 बजे तक केवल एक ही उद्देश्य जुनून है कि हमारा प्रदेश किस तरह से एक नंबर पर पहुंचे। अगर $1 trillion का सपना है तो वास्तव में उसी के लिए जुटे हुए, उसी के लिए जुटे हुए, लगातार कांस्टेंट एफर्ट्स उसी बात के लिए कि किसी भी तरीके से उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें। और ये अगर आर्थिक स्थिति बेहतर होती है उसका फर्क सबके ऊपर पड़ता है, सबके ऊपर, सारे लोग प्रभावित होंगे, पक्ष और विपक्ष। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो आप लोग भी गर्व गर्व से कहेंगे कि हम आज उस प्रदेश के हैं कि जहाँ जो सबसे अच्छा प्रदेश है। आज जो 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 लोग दूसरे लोग जो सीना ठोकते हैं, आज हमारा प्रदेश बहुत छः सालों में बहुत आगे पहुँचा है, इसका परसेप्शन बदला है, और ये परसेप्शन एक दिन में नहीं बदलता, पब्लिक परसेप्शन एक दिन में बदलता नहीं है, लगातार वैसी स्थितियाँ पैदा हों, लगातार वैसी वैसा दिखाई पड़े तभी, और ये गलत बनता भी नहीं है पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन ज्यादातर बहुत सही बनता है, और जिसके बारे में आज उत्तर प्रदेश की छवि पूरी देश और दुनिया के निगाह में बेहतर हुई है, इसको और अधिक बेहतर कैसे बनाएं, और अधिक आर्थिक दृष्टि से कैसे संपन्न हो। आप जो बार बार कहते हो कि कंजूस हैं, आप भी अपने घर की चाबी ऐसे व्यक्ति को दोगे कि जो सही तरीके से सही जगह पर खर्च करेगा। हम किसी वक्त होगा बताएंगे, आज वक्त नहीं है, 13-14 निर्णय हमने ऐसे लिए हैं कि वित्त विभाग में काफी कुछ डिसिप्लिन मेंटेन किया, काफी कुछ डिसिप्लिन, ये तो हम नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन हमने काफी कुछ डिसिप्लिन मेंटेन किया, काफी कुछ मेंटेन किया, और कोशिश हर स्तर पर यही है। अगर आप किसी को चाबी अपने खजाने की चौंपोगे, अपने घर की किसी को खजांची बनाओगे, तो ये चाहोगे कि वो लुटाए, ये को चाहोगे क्या? लेकिन कोई नहीं चाहेगा। और एक बात बताएं आपको, कभी डेवलपमेंट के किसी काम में पीछे नहीं है, डेवलपमेंट के किसी काम में पीछे नहीं, और खास तौर से ऐसा ही जो हर स्तर पर यह इस पर डिबेट हो सकती है कि कौन से काम पे खर्च हो कौन से ना हो, ये तो डिबेट हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि सरकारी खजाने का की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये मेरे पिताजी का नहीं है, ये मेरे बाबा ने नहीं दिया था मुझे, तो जिस तरह से एक सरकारी खजाने के को खर्च होना चाहिए, कोशिश यही रहती है कि हम अगर पूरी तरीके से उसमें बहुत सर्वोत्तम दृष्टि से न कर सके तो उसके करीब जरूर